सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के बहरोड के अनंतपुरा में शनिवार रात से सेना भर्ती शुरू हो गई है। इस भर्ती में 67,000 युवा भाग लेंगे। अलवर भरतपुर जिले के युवा आ रहे हैं। बहरोड में आज से शुरू हुई सेना भर्ती को लेकर 10 सितंबर की रात 12 बजे से युवाओं की एंट्री शुरू हो गई है। इस भर्ती में अलवर भरतपुर धौलपुर के 67,000 युवा भाग ले रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन व आर्मी के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। पहली रात से भर्ती शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को रहने खाने परिवहन की व्यवस्था, अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे थे। SDM सचिन यादव ने बताया कि 10 सितंबर से 24 सितंबर तक चलने वाली सेना भर्ती को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने खाने चिकित्सा अन्य व्यवस्था की गई है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। इस भर्ती रैली में 3 जिलों के युवा भाग ले रहे हैं। पहले दिन हो रही भर्ती में अलवर जिले की तहसील के युवा आ रहे हैं। आज 12 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। पूरे होने के बाद उनको CISF कैंप में दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीरों के लिए पहली भर्ती अलवर के बहरोड में की गई है, जिस पर युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं युवाओं को बहरोड से सेंटर तक पहुंचाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसें लगाई गई हैं, ताकि युवाओं को कोई परेशानी ना हो और वापस उनको छोड़ने के लिए भी यह बसें रात में ही फेरी लगा रही है। भर्ती शुरू हो गई है, किस तरह की तैयारी और कितने अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं? देखिए, आज रात 12 बजे से सेना भर्ती 2022 की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो चुकी हैं, और भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। और निरंतर सभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं और बिल्कुल अनुशासित तरीके से और डिसिप्लिन मैनर में हमारे साथ सहयोग करते हुए वो भर्ती रैली का आनंद उठा रहे हैं। और हम आर्मी प्रशासन का, पुलिस का पूरा धन्यवाद देना चाहेंगे, CISF प्रशासन का, जिन्होंने जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन की इस भर्ती रैली को आयोजित करने में मदद की। सर, पहले दिन किन किन जिलों से आ रहे हैं युवा और किन तहसीलों से? जी, पहले दिन अलवर की 3 तहसीलों से, जिसमें तिजारा, लक्ष्मणगढ़ और एक और तहसील है वहाँ से, और भरतपुर से आ रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं सर उनके अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, उनके लिए जिला प्रशासन ने रैन बसेरा, पेयजल सुविधा, मोबाइल टॉयलेट, इंदिरा रसोई से स्वास्थ्यवर्धक खाना, पौष्टिक खाना और अन्य सभी व्यवस्थाएं कर रही है।